बहुत बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। आप भक्त तुकाराम जी का वंशज हैं? जी हाँ, मेरा नाम बताइए आपके बारे में। मेरा नाम हरिभक्त परायण शिवाजी सदाशिव मोरे। महाराष्ट्र में जो बड़े संत हो गए जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, उनके दसवें वंशज हैं हम। हमारे घर में बड़ी वारी की परंपरा है। वारी की मतलब? वारी बोले तो जो जो महाराष्ट्र में संत हो गए, हाँ जी, बड़े बड़े संत हो गए, तो उनके जन्म स्थान से पंढरपुर का पांडुरंग, वो जो संतों का आराध्य देवत है, तो साल में एक बार अपने जन्म गांव से पंढरपुर तक दर्शन के लिए वारकरी जो भक्त पांडुरंग के भगवान पांडुरंग के जो भक्त है वो ऐसा इकट्ठा भजन गाते, पांडुरंग का नाम स्मरण करते करते 21 डेज जाते, उसको वारी कहते हैं। ओके ओके, ऐसी ऐसी 700 वर्षों की परंपरा है हमारे गांव में। तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे आठवें पूर्वज विश्वंभर बाबा, हाँ जी, वो विश्वंभर बाबा पैदल वारी करते थे। वो जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज, उनके समकालीन है वो, हाँ, तो उनके साथ वो वारी करते थे। तो बहुत प्राचीन परंपरा है वारी की। तो ये परंपरा बहुत सालों से चलती आई। हर एक गांव से दिंडिया निकलती पहली, लेकिन तुकाराम महाराज के जो तृतीय पुत्र है नारायण महाराज, उनको तृतीय मतलब थर्ड, हाँ थर्ड, हाँ अच्छा, तृतीय पुत्र नारायण महाराज, जब महाराज वैकुंठ में गए, तो बाद में वो संस्थान की सब देखभाल करने के लिए अपने छत्रपति महाराज ने नारायण महाराज को तीन गांवों की जागीरदारी दी थी कि ये संस्थान संभालने के लिए। बोले तो उसने क्या किया, ये अपना आध्यात्मिक परंपरा शुरू कर दिया। बोले तो 1684 में वारी निकाल दिया। वारी बोले तो तुकाराम महाराज जी का पादुका पालखी में लेने का और देहू से प्रस्थान करने का और दूसरे दिन आलंदी में रुकने का, आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज का पादुका लेने का, और दोनों पादुका एक पालखी में रखकर वो पैदल वारी महाराष्ट्र की वारकरी उसके साथ चलते थे। इसलिए वो ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम ये भजन की शुरुआत हो गई। हाँ, बाद में कई सालों के बाद में जब भीड़ बढ़ गई तो दोनों वारी अलग हो गई। ऐसा है वारी का इतिहास है। बोले तो पहले जो लोग दो वारी चलते हैं, आज भी दो ज्ञानेश्वर, ऐसा मतलब 140 पालखी है, 21 दिन का दो वारी चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो ज्ञानेश्वर महाराज की कम दिन की है। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि वो रास्ते में है। हाँ, वो 15 दिन की, और तुकाराम महाराज की 18 दिन की। अच्छा, जो मूल पालखी 16 है परंपरा, उसका 18 दिन का है। बाद में ज्ञानेश्वर महाराज ने अलग रूट से निकाली, तो एक रूट से ज्यादा भीड़ होने लगी ना, तो अलग रूट से वो 15 दिन का है। ऐसा सरासरी बोले तो 21 दिन पूरा पूर्णिमा तक रहता है। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो ये पहले जो लोग आते थे तो सब वानप्रस्थी लोग थे। बोले तो 60 इयर्स के बाद में, जैसे ये लोग, हम लोग ऐसे जो संसार हो गया, अभी बाल बच्चे, उनका शादी हो गया, तो उनके कंधे पे संसार का भार देने का और वारी को चल पड़ने का, ऐसे लोग थे। लेकिन अभी ये 20-25 साल में ऐसा परिवर्तन हो गया कि जो 30 उम्र से 50 उम्र तक जो जवान लड़के है, लड़कियां है, गृहस्थी है, वो वारी में आना शुरू हो गए। बहुत अच्छी बात है। वो संस्कार वारी बोले तो एक संसार संस्कार का वारी है। क्या बहुत से लोग आते, कोई तम्बाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, वो वारी में आने के बाद छोड़ देता है, ये माला पहनता है, बोले तो ये वारकरी संप्रदाय का दीक्षा लेता है। अच्छा, हाँ, आप सॉरी, मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। हाँ, हाँ, मुझे जानकारी के लिए। हाँ, हाँ, बोलो। वो तुकाराम जी तो कृष्ण भक्त थे, पांडुरंग भक्त, पांडुरंग राइट। हाँ, तो ये लोग वारी में जब जाते हैं पांडुरंग जी का गीत गाते हैं या तुकाराम जी का गीत गाते हैं? पांडुरंग का पहला, ये आराध्य देव थे,
पांडुरंगा का पहला, लेकिन जो ये किया है वर्णन के अभंग जो लिखा है वो तुकाराम जी का ही है ना। अच्छा। ज्ञानेश्वर मार्ग ऐसा सब जो बोले तो जो वारकरी संप्रदाय में ऐसा उद्घोष करते है, कुंडलिका वरदेव हरिविठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की जय, इसका मतलब क्या है? जो वारकरी संप्रदाय का स्थापना जिन्होंने किया वो संत ज्ञानेश्वर महाराज, और जो कलश किया बोले तो उच्च स्तर पर संप्रदाय को लेके बिठाया वो तुकाराम महाराज, उसके बीच में जो सब संत आते है, बहुत से संत है, उसमें साउता माली है, गोरोबा काका है, ऐसे नररी सोनर, जो सब वारकरी संप्रदाय के संत है, चोखा मेला है, आजा मेला है, वो सब संत आते है उसमें। बोले तो कुंडलिका हरि वरदेव जो घोष है उसमें सब संत है, क्या ज्ञानेश्वर महाराज और ऊपर तुकाराम महाराज, इसके बीच में सब वारकरी संप्रदाय के संत है। ऐसा मतलब नहीं सिर्फ ज्ञानोबा और तुकाराम, वो सब जो वारकरी संप्रदाय के संत है उसमें आते है। और हाँ, वो संत के गाँव से जो जन्म भूमि है, मुक्ताबाई रहेंगे तो मुक्ताई नगर से पालकी आती है, सोपन काका बोले तो सासोल से पालकी आती है, तुकाराम महाराज भी उसमें कितना थे? कितना 10,000 लोग होंगे? ओ कम से कम ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी सोलह में 4,00,000 लोग रहेंगे। अच्छा। और तुकाराम महाराज के पलकी सोलह में 3,50,000 से 4,00,000 तक रहते हैं। वाओ। तो जब बड़ा है? हाँ, बहुत बड़ा है। उनका जो स्टार्ट किया तो एंड में जो ये बोले तो क्यू रहता है वो कम से कम 3-3.5 किलोमीटर रहता है। अच्छा। इतना बड़ा रहता है और सब ऐसा दिंडिया रहता है। आप, मेरा एक सवाल है, आप इधर कुंभ के लिए आए, आप बोल रहे थे कि इधर से आप कुछ सीखे, उधर कुछ करना है, उसके बारे में अगर दो क्या हो गया मिनट में बोल सकते हैं। 2015 साल में मुंबई उच्च न्यायालय ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना महाराष्ट्र प्रशासन और पंडरपुर प्रशासन को नोटिस दिया कि अगर तुम वारकरियों के लिए, इतने बड़े तादाद में लोग आते हैं, वारकरियों के लिए अच्छी तरह से शौचालय नहीं देते, उनकी व्यवस्था नहीं करते, इसलिए सब तीर्थ क्षेत्रों में गंदगी होती है, और बाद में जब वारी खत्म होती है तो बाद में एक एक महीना उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं, महिला बीमार पड़ते हैं, कोई कोई लोग जब ये वारी आते है पंडरपुर में, जब वारी आती है तो लोग पलायन करते हैं क्योंकि एक महीना भर वो दुर्गंधी रहती है। तो इसके वजह से हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था कि अगर तुम ये वारकरियों की सुविधा नहीं करते तो हम वारी के ऊपर निर्बंध लाएंगे। निर्बंध लाएंगे तो बोले तो क्या, वो वारी में 4,00,000 लोग आते, 3,00,000 इतना नहीं आना, सिर्फ 30,000 आने का, 40,000 आने का, तो उसमें गवर्नमेंट का और वारकरियों का बहुत बड़ा संघर्ष होता था, जैसा केरल में अभी चल रहा है, हाँ वैसा संघर्ष होता था। लेकिन क्या हो गया, संघ ने तय किया कि यह संघर्ष होने वाला है, इसलिए निर्मल वारी एक कंसेप्ट लाया। निर्मल वारी तो मुख्य क्या है कि अगर वारकरियों को अच्छी तरह से शौचालय की व्यवस्था की, क्या तो गंदगी नहीं हो सकती। आप गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया, वारकरियों को नोटिस किया कि सब लोगों ने ऐसा ओपन में ये करने का नहीं, पेशाब करने का नहीं, टट्टी करने का नहीं, ये किया, लेकिन ऐसा शौचालय नहीं बनाया, तो मजाक हो गए ना, ओपन में नहीं करने का लेकिन किधर करने का। वारकरियों की भी गलती नहीं, अगर वो सब करते थे शौचालय की व्यवस्था तो वारकरी जाते थे। तो 2015 में संघ ने ये तय किया कि वारी में अपनी ये जो परंपरा है वो सुरक्षित रखने के लिए सुविधा करेंगे। तो बात संघ बोला था आरएसएस, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आप उसका भागीदार? मैं छोटेपन से स्वयंसेवक हूँ। अच्छा। अच्छा ऐसा है। हाँ, और मैं उससे जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। मैं हमारे जो संस्थान है वो संस्थान में 2 बार अध्यक्ष, 1 बार विश्वस्त, कम से कम 15 से 20 साल मैंने काम किया है। अच्छा। वो प्रमुख बन के आप मोर धार्मिक काम में है? मैं कभी वारी में रह गया तो हमारा जो पालकी सोला है वो कभी छोड़ता नहीं, भजन करके ही उधर तक जाता। मतलब आप पॉलिटिक्स में है या धार्मिक में है? नहीं, धार्मिक में है मैं, नॉन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में नो पॉलिटिक्स। लेकिन मेरे को समझ में आया कि सिर्फ भजन करने से फायदा नहीं, ये परंपरा आपको अपन को लास्ट तक लेके जाने का है, तो ये जो विविध सुविधा है वो करना पड़ेगा। तो ये जो विषय है
वो संघ के व्यासपीठ पर में लिया कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर सिर्फ हमने बड़े बड़े लोग उसे, तो हम 2015 में पहला दो गांव लिया, दत्तक लिया कि उनको सुविधा देने का। तो एक सेवा सहयोग संस्था है पुणे का, उनको सब आर्थिक जवाबदारी दिया और संघ के कार्यकर्ता स्वयं सेवक से कम 2-3 हजार संघ सेवक उधर लगाए और वो वारी स्टार्ट किया हमने। शौचालय लगाए, उसमें पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था हमने लगाए और वारकियों को प्रबोधन किया कि तुम ओपन एरिया में शौचालय के लिए आने जाने का, इसमें करने का। वारकियों ने सुना और दो गांव हमारे 100% हगनदारी मुक्त हो गए, जहाँ जैसे इधर दिखता वैसा। तो अगले दिन जब तीसरा मुक्काम आया तो वारकरों ने हमको पूछा, अरे जो व्यवस्था उधर लोनी और यवत गांव में लगाई थी उधर क्यों नहीं लगाई, वारकरों ने पूछा। ये शासन के समझ में आया तो शासन में 2016 में 2.4 लाख रुपए उनके लिए निधि दिया। वो उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ बीजेपी, ये फडणवीस सरकार, फडणवीस सरकार था। 2.4 लाख रुपए दिया। 2017 में 3 कोटी कर दिया और 2018 में 5 कोटी का प्रोजेक्ट रख दिया। अच्छा, अभी सब जो मुक्काम है वारी के, ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी मार्ग में 15 मुक्काम है, तुकाराम महाराज के पालकी मार्ग में 18 मुक्काम है, ये 33 जो मुक्काम है बोले तो जिधर पालकी जाते जाते रुकती वो सब हगनदारी मुक्त हो गया, नो दुर्गंधी और नो ये। अच्छा, तो हमने किया। अभी जब मैं इधर आया तो इधर कोई बात इतने अच्छे लगी मेरे को, उसके फोटोग्राफ निकाले और मैंने ये जो संयोजक, मतलब तो प्रयागराज कुंभ के लिए आए, ये इधर आया मैं तो मेरे को इतना आनंद हो गया। मैं तो काम करने वाला आदमी है, ये जब संतों से देखने की वजह से इधर की स्वच्छता मैंने देखा कैसा है, इधर कोई रास्ते में कोई दुर्गंधी है क्या, रास्ते में पेशाब करता है क्या, ऐसा मेरे को किधर भी नहीं मिला। एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिला, एक थर्माकोल का टुकड़ा नहीं मिला, किधर कोई ऐसा औरत मर्द पेशाब करते ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। ये बड़ी बात हमको समझ में आई, तो इधर का मैं सब अभ्यास करने वाला हूँ कि ये कैसे प्रशासन ने 48 दिन तक किया, क्या क्या है वो हम हमारे पंडरपुर के वारी में ये सुविधा हम वारकरियों को देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो इससे निर्मल वारी हो जाएगी, निर्मल वारी 100% हो जाएगी। और जो नोटिस दिया है हाईकोर्ट ने कि बाबा तुम अच्छा वारी रहेंगे, निर्मल वारी रहेंगे तो हमको कुछ असुविधा नहीं है, तुम कितना भी क्विकली वो 2 मिनट में अगर आप बोल सकते हैं, वो हरा का बोल रहे थे। एक अभी ये काम चलते चलते हमारे एनजीओ बहुत बड़े हमको मिले थे, उसमें दगड़ूशेठ गणपति आपको मालूम है पुणे का बहुत बड़ा संस्था है वो एनजीओ में काम करते, श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति हलवाई ट्रस्ट, वो हमारे साथ है। वो मोहन धरिया एक माजी मिनिस्टर थे, उनकी वनराई संस्था है, देवराय संस्था है, नाशिक का अपना पर्यावरण, ऐसा 22 एनजीओ मिलके हमने तय किया है कि जैसा निर्मल वारी हो गया वैसा हरित वारी करने का। हरित वारी बोले तो क्या है, अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बरोबर, ग्लोबल वार्मिंग मालूम है आपको। तो महाराष्ट्र में ये जो महाराष्ट्र का पर्यावरण संतुलित रखने के लिए जो उपलब्ध भूपृष्ठ भाग है वो 33% उनका ये मांगता है, 33% वनराई मांगता है, बोले तो जंगल मांगता है, लेकिन वो अपना 14% से इतना कम है। अपन ने क्रांति नहीं किया, इंस्टेड ऑफ 33% इट इज 14%, इज दैट राइट? 33% होना चाहिए, 14% है। बहुत कम है, निम्न से भी कम है। तो बोले तो दिल्ली में जैसा प्रदूषण आपको मालूम है जैसा बढ़ रहा है वैसा महाराष्ट्र में पूरा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि वारकरी लोग सब अपना अपना मस्ती में भजन करते, पांडुरंग के इसमें जाते क्या, लेकिन उसमें सामाजिक काम में आना मांगता है। तो हमने तय किया कि जो वारकरी लोग अपना जन्म स्थान से प्रस्थान करते पंडरपुर के लिए, वो बड़े बड़े मार्ग है, 200, 250, 300, 400 ऐसे मार्ग है, तो उनके दोनों तरफ से अपना देसी वृक्ष लगाने का, उसमें बरगद है, आम है, तुम्हारा नीम है क्या, अर्जुन है, बकुल है, ऐसे अपना जो देसी वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है,
ऐसे वृक्ष लगाने का, सिर्फ लगाने से फायदा नहीं, आज तक अपना गवर्नमेंट सिर्फ वृक्ष लगाते आए, पीछे देखते नहीं कि कितना वृक्ष आया है कितना नहीं। हम ऐसे करने नहीं वाले, हम 100 वृक्ष लगाएंगे, 100 ही उसको बड़ा करेंगे, बिल्कुल कम लगाएंगे लेकिन उसको बड़ा करेंगे, ऐसा हमारा अभियान है। वारी का रूट, हाँ। ये तो कितना, ये प्रेरणा कितना किलोमीटर है? ये 254 किलोमीटर दिहू से आलंदी तक है। इंग्लिश में नंबर बोलना मुझे, 244 किलोमीटर फ्रॉम देहू टू पंडरपुर, और आलंदी का है वो 243 किलोमीटर, वो डिफरेंट रास्ता है। हाँ, वो डिफरेंट रास्ता है, 10 किलोमीटर कम है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 500 किलोमीटर एंड अप। हो बाकी का अभी जो मुक्ताई नगर से आता है पलकी मुक्ताई का, वो कम से कम 950 किलोमीटर है आने आने जाने की। 950 किलोमीटर है, बहुत बड़ा है। तो ये सब ने जाते जाते वो जो पालखी महामार्ग सरकार ने डिक्लेयर किया है, ये तुकाराम महाराज का पालखी महामार्ग, ज्ञानेश्वर महाराज का पालखी महामार्ग, सोपान काका का पालखी महामार्ग, मुक्ताई का पालखी महामार्ग, गजानन महाराज का पालखी महामार्ग, वो डिक्लेयर किया है। तो उसके दो बाजू में अपना पुराना पेड़ जो है वो लगाने का, और उसका 3 साल रख रखाव करने का, उसको पानी डालने का, सब ट्री गार्ड करने का, ऐसा हमने एनजीओ सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। और मैंने ये जो प्रेरणा है वो प्रेरणा मेरे को कर्नाटक में अपना मोबाइल है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा आता है, बुरा भी आता है, लेकिन हमने उससे अच्छा लिया। एक ऐसा क्लिप आया था थिमक का, सालू मर्दा थिमक का, उसने सालू मर्दा थिमक का उनका नाम है। सालू मर्दा उनको पदवी दिया है कर्नाटक सरकार ने। सालू मर्दा बोले तो पेड़ की लाइन, बोले तो पेड़ की झाड़ांची रंग, झाड़ांची रंग। तो वो मैंने सुना हूँ उसको, अभी अपने मोदी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया है, बहुत उनको पुरस्कार मिले कर्नाटक सरकार की। तो उन पे आया तो उसने क्या काम किया, तो उनके भविष्य में मैंने आपको बोला, जब उनका शादी हो गया तो उनको बाल बच्चा नहीं हो गया, बाल बच्चा नहीं हो गया तो आपको मालूम है, जब बाल बच्चा नहीं होता है तो आप जो समाज है पूरा उनको तकलीफ करता है, ये निपुत्रिक है, ये वांज है, इसको लड़का नहीं हो गया, तो उसको भी ऐसा किया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने मर्द को लेके जो होलीकुल गांव है उनका, ग्रामीण गांव है रूरल एरिया, उधर पूरा हरा, हाँ, उधर से बंगलोर हाईवे तक जो 4 किलोमीटर का रास्ता है वो दोनों साइड में उसने पेड़ लगाए, बिल्कुल पेड़ लगाए। आज वो पेड़ इतने बड़े हाथ में नहीं समा सकते, इतने बड़े हो गए। मैं आपको दिखाता है, मैं उधर उसके गांव में गया जिससे प्रेरणा लिया, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया। अच्छा। और वो जो सालू मर्दा है 106 उनका आयु है, अच्छा 106 ईयर्स उनका आयु है, तो उसने हमको आशीर्वाद दिया और बोला तुम्हारा कार्य में मैं पहला जिधर स्टार्ट हो जाएगा उधर हम 1000 बरगद के पेड़ देंगे। वाह। हाँ, तो हमने तय किया है, जो दामाजी पंत बोले तो एक संत हो गए मंगलवेड़ा में, तो उनका जो पालखी महामार्ग है 14 संत है मंगलवेड़ा में, तो उनका जो पालखी महामार्ग है वो 17 किलोमीटर का है मंगलवेड़ा तो पंडरपुर, वो शासन ने किया है, सब सीमेंट से किया है, तो वो पहला हम लेंगे प्राथमिक स्वरूप में, और उनको करेंगे वो झाड़ लगे आएंगे तो फैंटास्टिक, यू नो बहुत बढ़िया। हरित वारी, निर्मल वारी के बाद में अभी हरित वारी, दोनों निर्मल और हरी वारी, राइट? निर्मल वारी हरित वारी, हरित वारी, हरित वारी, हरित वारी, हरित वारी, हरित बोले तो ग्रीनरी, ग्रीन, और निर्मल बोले तो स्वच्छता, ऐसा तो फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ। ओके।